अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपनी चैनल ट्विस्ट वॉइस में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक 16 साल लड़की जिसके टिकटॉक पर 10 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ही सही सुना है। हमने तो पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और बहुत से मुल्कों के टिकटॉकर्स के बारे में तो सुन रखा होगा, लेकिन मैं आज जिस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक कमाल की टिकटॉकर है। ये दुनिया में पहले नंबर पर आती है कि जिनके टिकटॉकर्स में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस 16 साल लड़की जिसका ताल्लुक अमेरिका से है और इसका नाम है चार्ली डाइमेलो। जी हाँ दोस्तों, डाइमेलो अमेरिका से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने टिकटॉक का इस्तेमाल मई 2019 में किया था और सिर्फ 1.5 साल के अरसे में इन्होंने टिकटॉक की मदद से पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल कर ली। चार्ली के फॉलोअर्स की तादाद हॉलीवुड के मशहूर एक्टर स्मिथ से दुगनी है, जबकि हॉलीवुड की ही एक मशहूर सेलिब्रिटी रोमा से चुगनी है, जबकि सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन रखने वाले जेन से 5 गुना ज्यादा है। अलिया महीनों में चार्ली ने पॉडकास्ट शुरू किया, यूट्यूब चैनल बनाया, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हासिल किए और बैनल इक्वामी फर्म से एक किताब का वायदा भी किया। वाजह रहे कि टिकटॉक यूजर्स को आमदनी के कोई भी खासिर ख्वाह मौके नहीं फराम किए जाते, लेकिन चार्ली ने टिकटॉक अकाउंट पर इतने ज्यादा फॉलोअर्स हासिल किए कि दौलत तो उनको पूरी दुनिया से ही मिलती रही। चार्ली की बहन को सॉन्ग्स गाना बेपनाह पसंद है और इनके वालिदैन समेत पूरा खानदान सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर खासा एक्टिव ही रहता है। बैन अल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक चार्ली ने गुज़श्ता साल मुख्तलिफ मायदों में $40 लाख से भी ज्यादा कमाई की थी। जब भी अपने घर से बाहर निकलती हैं तो फैंस की बड़ी तादाद इनको घेर लेती है, तो इनसे बचने के लिए इनको क्या कुछ करना होगा इसका अंदाजा आप लोग लगा ही सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि अगर टिकटॉक की शुरुआत फिर से हो जाती है तो उस समय पर चार्ली को और मजीद कितने फॉलोअर्स मिलने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि टिकटॉक चालू हो जाएगी और उसके बाद आपके ख्याल में चार्ली के कितने फॉलोअर्स बन पाएंगे, आप अपनी इस राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करना तो हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।